नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे। एक बड़ी खबर हमारे बीच मुजफ्फरपुर यानी बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके से आ रही है, जहां एक डॉक्टर को गोली मार दी जाती है। जब डॉक्टर अपने दफ्तर से अपने क्लिनिक से लौट रहे हैं, तब उन्हें गोली मार दी जाती है और एक नहीं बल्कि दो गोलियां बदमाशों ने उनको मारी। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके के साहिबगंज की है, जहां एक डॉक्टर जिनका नाम विवेक कुमार बताया जा रहा है, अपने क्लिनिक से शाम को वापस आ रहे थे, तभी बाइक सवार दो लोग पीछे से आए और उन्होंने बाइक सवार विवेक कुमार को पीछे से ही फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने विवेक कुमार के एक गोली मारी, उसके बाद विवेक कुमार अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद भी बदमाश नहीं माने और नीचे गिरने के बावजूद उन्होंने विवेक कुमार को एक और गोली मारी। तभी विवेक कुमार नीचे गिरते हुए वहां पर चीखने चिल्लाने लग गए। यह घटना ब्लॉक गेट की है, जहां से विवेक कुमार का घर महज 100 मीटर की दूरी पर है। इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश कुछ ना कुछ पहले से ही फिराक में थे। ये प्री प्लान्ड था और बदमाश यहां पर उनकी हत्या के मंसूबे से ही आए थे। वहीं जब चीखने और चिल्लाने की आवाज आई तो आसपास जितने भी लोग थे वो विवेक के पास आ गए और यही देखकर बदमाश वहां से भाग गए, नहीं तो बदमाश विवेक को जान से मार देते। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, उन्होंने विवेक की हालात देखी और उसके बाद पुलिस को फोन किया। मौके पर ही विवेक को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि विवेक के दामाद अवधेश कुमार ने बताया कि विवेक आमतौर पर वैशाली जिले के मदरना के रहने वाले हैं। यहाँ कुछ सालों से वो रहते हैं और अपने क्लिनिक में काम करते हैं। रविवार रात 10 बजे वो क्लिनिक से घर लौट रहे थे, तभी ये घटना घटित हो गई। जानकारी के मुताबिक जहाँ विवेक की बाइक गिरी थी और जहाँ विवेक घायल अवस्था में लोगों को मिले थे, वहां से दो खोखा भी बरामद हुआ है। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है और बदमाशों को पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश में जुटी है। आपको इस खबर के विषय में क्या कहना है, आप जरूर हमें बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।